डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए नीचे कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ यू ऑल टुडे वी विल लर्न यूनिट फॉर व्हाट टाइम इज इट इंग्लिश बुक का आपका फोर्थ लेसन है फॉर द सेमेस्टर वन सो लेट्स बिगिन विद एक्टिविटी वन इजी एंड मजेदार है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स लिखा है पिक्चर्स को ऑब्जर्व करिए और क्लॉक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है आप देख सकते हैं यहां पर वॉल क्लॉक यहां पर पेंडुलम क्लॉक यहां पर रिस्ट वॉच आपने ये क्लॉक शायद नहीं देखा होगा यह बहुत ही पुराना क्लॉक है आइए चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा वॉल क्लॉक आजकल मार्केट में अलग अलग प्रकार के वॉल क्लॉक्स मिलते हैं मैं तो कह रहा हूं थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ वॉल क्लॉक्स अवेलेबल है मार्केट में ऑनलाइन और ऑफलाइन सो तो इसी के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है लेट्स राइट फ्यू सेंटेंसेज ऑन इट सो फर्स्ट वी विल राइट दिस इज अ वॉल क्लॉक इट इज ए राउंड इट हैज एन आवर हैंड अ मिनिट हैंड एंड ए सेकेंड हैंड बेसिकली ये वॉल क्लॉक सर्कल में मतलब के राउंड शेप में होता है कुछ कुछ स्क्वायर शेप में भी मिलेंगे और कुछ अलग अलग टाइप के शेप्स में भी मिलेंगे बट जनरली ये जो नंबर है वो राउंड शेप में ही होते हैं सो इफ यू वॉन्ट टू राइट मोर यू कैन राइट इट्स अप टू यू मैंने इतना लिखा है आप लोगों के लिए चलिए लेट्स मूव टूवर द नेक्स्ट पिक्चर अरे वाह दिस इज कॉल्ड पेंडुलम क्लॉक आई विल शो यू फ्यू मोर पिक्चर्स सो देखते हैं और भी पिक्चर्स इसके बारे में ये रहा ये ये मैंने आपको दिखाने के लिए लिए हैं कि कैसे कैसे पेंडुलम क्लॉक होते हैं पेंडुलम ये जो नीचे वाली ये जो होते हैं उसे पेंडुलम कहते हैं इसीलिए इसका नाम पेंडुलम क्लॉक है मेरे घर पे पहले ये थी ब्लैक कलर में बहुत जमे छोटा था सो so, इसके बारे में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दिस इज अ पेंडुलम क्लॉक इसका नाम सेकेंड इट इज अग एंड लॉन्ग कंपेयर टू द वॉल क्लॉक ये बहुत ही बड़ा होता है थीक होता है हैवी होता है और मोस्ट ऑफली वुडन कैबिन में होता है इट हैज एन आवर हैंड अ मिनिट हैंड अगर आप इसमें देखें तो आवर हैंड एंड मिनिट हैंड होता है और सेकेंड का हैंड का काम ये पेंडुलम खुद कर लेता है इट हैज अ बिग पेंडुलम इन इट ये जो है ये पेंडुलम है ये टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक घूमता रहता है ऐसे द पेंडुलम स्विंग्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पेंडुलम क्या करेगा लेफ्ट से लेकर राइट लेफ्ट से लेकर राइट right घूमता ही रहेगा सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वॉच रिस्ट वॉच रिस्ट वॉच मतलब जो आप लोग हाथ में पहनते हैं ना आजकल ऐसी वाली घड़ी और आजकल जो ट्रेंडिंग में है वो है स्मार्ट वॉचेस जो हाथ में पहनी जाती हैं जिसे हम कहते हैं रिस्ट वॉच सो आइए चलिए इसके बारे में भी लिखते हैं यस दिस इज अ रिस्ट वॉच फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में लिखो इट इज अ स्मॉल एंड राउंड सो ये राउंड शेप में ज्यादातर देखने को मिलता है इट हैज एन आवर हैंड ए मिनिट हैंड एंड ए सेकेंड हैंड इट इज टाइड ऑन द रिस्ट सो इसमें तीन हैंड्स होते हैं आवर हैंड मिनिट हैंड एंड सेकंड हैंड चलिए इसके साथ हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और डिस्कस करेंगे द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ योर टीचर इंड फ्रेंड्स सो बच्चो ये क्वेश्चन है सिर्फ आंसर लिखना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है इसका इंपॉर्टेंस है ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करो अपने दोस्तों के साथ टीचर्स के साथ पेरेंट्स के साथ पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है हाउ मेनी हैंड्स डज अ वॉच यूजली है जिसका मतलब है कि नॉर्मली कोई भी वॉच के अंदर कितने हैंड्स होते हैं और उनके नाम क्या है सो so ये है आंसर अ क्लॉक यूजअली हैज टू हैंड्स ज्यादातर दो ही हैंड्स होते हैं वन इज आर हैंड एंड वन इज अ मिनट हैंड और जो तीसरा है वो सेकेंड हैंड तो ज्यादातर घड़ियों में होता है और नहीं भी होता है सेकेंड क्वेश्चन ये है वट काइंड ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचिज डू यू हैव एट योर होम आपके घर पे किस किस टाइप्स के वॉचेस है अब मेरी बात करूं सो आई हैव वॉल क्लॉक्स दीवार पे हैं स्मार्ट वॉच मेरे पास है एप्पल का पेंडुलम क्लॉक भी है जो बहुत पुराना है और मेरे गांव वाले घर पे पड़ा हुआ है वो भी बंधन है थर्ड क्वेश्चन है डू यू हैव अ वॉल क्लॉक इन योर क्लासरूम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके स्कूल के क्लास में वॉल क्लॉक है यस वी हैव अ वॉल क्लॉक इन आर क्लासरूम भाई मेरे क्लासरूम में तो वॉल क्लॉक है क्या आपके क्लास में वॉल क्लॉक है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए यस और नो में इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा एक्टिविटी टू रीड द स्टोरी सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है जो आपने कभी पहले सुनी नहीं होगी सो so चलिए बिगिन करते हैं इस स्टोरी को पढ़ने से सबसे पहले तो उसका नाम है रीप वैन विंकल ही ये जो साइड पे खड़ा है इसका नाम है रीप वैन विंकल सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर रीप वैन विंकल वाज अ लेजी मैन लेजी मतलब आलसी आदमी था ये सोता रहता घूमता रहता कुछ काम नहीं करता ही वुड ऑफन गो ऑफ इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग वुल्फ टू हंट फॉर रैबिट्स एंड स्क्विरल्स सो ये भाई साहब जंगल में जाते अपने ये डॉगी के साथ और अपने वुल्फ के साथ किस ले जाते रेबिट्स का शिकार करने और साथ में स्क्वीरल्स का शिकार करने शिकार करके लाते अपने वुल्फ और डॉग को खिलाते और अब वो खुद भी खाते so, हैं पूरे जंगल में गोल गोल घूमता एंड हंट मतलब शिकार करके ले आता इस छोटे छोटे बेचारे ब्यूटिफुल एनिमल्स को सो so, ये था हमारे ये पहला पैराग्राफ इसी के साथ में आगे के पैराग्राफ को आपको समझाने वाला हूं यस सो लेट्स रीड फ्रॉम हिस्सा One day, Rip helped a strange old man carry a barrel to a clearing where several others were playing a game. So एक दिन क्या हुआ हमारे Rip ने इस भाई साहब की मदद कर दी इसको उचकने में के लाओ में तो मैं मदद करता हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ। फिर आगे क्या होता है Rip had some of the pink water from the barrel. उसने बैरल में से पिंक कलर का कुछ लिक्विड जैसे आप सोडा को हो या कोई ज्यूस को हो वॉट एवर यू से उसने ये जो बैरल बैरल में था वो जो भाई साहब लेकर आए थे ये भाई साहब इसके बैरल में से निकालकर इन लोगों के साथ पी लिया विथ हिस कंपेनियंस कंपेनियंस मतलब ये जो लोग जो तुम्हारे साथ में होता है वो आपका कंपेनियन होता है आपका दोस्त आपका कंपेनियन है क्योंकि वो हरदम तुम्हारे साथ रहता है सुन ही ड्रिंकिंग उसने जो पिया ना पिंक कलर का पानी उसके बाद वो सो गया और पता है क्या हुआ सो गया मतलब इतना सो गया इतना लंबा सो गया पूछो मत आगे आपको बताऊंगा मैं वेन ही अवोक ही टेंस ऑफ अवेक अवेक मतलब उठना और अवोक मतलब उठा जब ये उठा नींद से तब वो अलोन था अलोन मतलब एकदम अकेला रिप हिज गन उसने अपनी गन को ढूंढा कि मेरी गन कहां पर है टू मतलब साइकिल की चेन के ऊपर काट काट, लग जाता नहीं, वही वाला काट उसे इंग्लिश में रस्ट कहते हैं so उसकी गन पे पूरी गन पे रस्ट लग गया था फीलिंग कंफ्यूज एंड हंग्री रिप हेडेड अब उसको बहुत ही भूख लगी थी एकदम कंफ्यूज हो गया था भूखा हो गया था और वो अपने गांव की तरफ चल पड़ा लेट्स रीड अनदर पैराग्राफ हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है ही रीच जब वो पहुंचा पीपल गैदर्ड अराउंडिंग एट हिज स्टैटर्ड क्लोथ एंड लॉन्ग ग्रे बियर्ड गैदर मतलब इकट्ठा होना स्टेरिंग का मतलब है ताक कर देखना है ये बूढ़े अंकल कौन है ये बूढ़ा आदमी कौन है वैसे एक नजर से देखते रहना दैट इज कॉल्ड स्टेरिंग एट हिज टैटर्ड क्लोथ मतलब फटे हुए कपड़े पुराने कपड़े एंड लॉन्ग ग्रे बियर्ड बियर्ड मतलब दाढ़ी ही ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में ये लॉन्ग ग्रे उसकी दाढ़ी है अ यंग हु लुक्ड लाइक हिज वाइफ उसने एक यंग वुमेन को देखा वो उसकी वाइफ की तरह दिख रही थी और अभी भी वो यंग थी ही आस्ट हर हु शी वॉज उसने उस लड़की को पूछा आप कौन हो शी टोल्ड हिम हर नेम और आए ही नहीं 20 साल से हमने उनको देखा ही नहीं है तब जाके उसके दिमाग में आया हमें 20 साल से सो रहा था है ना अजीब और गरीब स्टोरी ऐसी कभी सुनी है इसका फेस देखो पीछे हाई ये आदमी कौन है इतनी बड़ी बड़ी डाली लेकर आ गया है क्योंकि ये भाई साहब बीस साल के बाद तो उठे हैं आगे देखना पड़ेगा क्या होता है रिप यहां पे क्या बोल रहा है आई एम योर फादर मैं ही तुम्हारा पिता हूं क्राइड रिप जॉयफुली वो एकदम खुशी के आंसू रो पड़ा और बोलता है अरे पगली मैं ही तुम्हारा पापा हूं एंड टोल देम ऑल हाउ ही द लास्ट ट्वेंटी सबको बताया कि मैं किस तरीके से 20 साल तक सोता ही रहा सोता ही रहा और देखो आज मैं कितना बुढा हो गया हूँ मेरी जिंदगी के 20 साल सिर्फ सोने में चले गए सो बच्चों स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें आलसी नहीं बनना है अगर आप आलसी बने तो आपके साथ ऐसा हो सकता है रियली में नहीं होगा बीस साल तक नहीं सोगे पर जो लोग ज्यादातर सोते ही रहते हैं कुछ काम नहीं करते पढ़ाई लिखाई नहीं करते स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, वो लोग मैं नहीं मानता हूं कि वो लोग हेल्दी है सो so आपको सबसे पहले लेजी नहीं बनना है इस रीप अंकल की तरह आपको एक्टिव बनना है स्पोर्टिव बनना है इंटेलिजेंट बनना है और आगे बढ़ते रहना है होप आप सभी को ये स्टोरी सुन के बहुत ही मजा आया होगा और सीखने को मिला होगा कि हमें आगे बढ़ते रहना है और आलसी आदमी नहीं बनना है इसी के साथ पेज को टर्न करते हुए हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज ए फिल इन द डिटेल्स हमें डिटेल्स फिल करनी है अब आप पूछोगे कौन सी डिटेल तो so, सबसे पहले मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा नेम ऑफ द कैरेक्टर आपको यहां पर तीन कैरेक्टर के नाम लिखे हैं स्टोरी के अंदर और और शी ही डिड उन्होंने क्या किया है स्टोरी में तो so, सबसे पहला मैं ले नाम रीप वैन विंकल या ये पॉपुलर कैरेक्टर है स्टोरी का उन्होंने क्या किया है भाई ही हंटेड स्मॉल एनिमल्स ये इनका काम था एनिमल्स को हंट करना मतलब शिकार करना और घूमते रहने का आलसी था ये सेकेंड है एन ओल्ड मैन कौन है ये ओल्ड मैन ही हैड अ बैरल ऑफ पिंक वाटर याद है वो बैरल लेकर आया था ओल्ड मैन जिसने रीप विंकल ने उसकी मदद की थी थर्ड कैरेक्टर है डॉग डॉग उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था ना कंपेनियन था पूरा दिन साथ में घूमता था डॉग स्टेड विथ रीप विंकल ऑलवेज अब नीचे वाले जो एक्सरसाइज बी में सेंटेंस लिखा है उसको जस्ट और समझो इमेजिन यू आर रिप एंड विंकल बच्चो बहुत ही बढ़िया काम है आपके लिए सोचो पांच मिनट के लिए सोचो कि आप रिप वैन विंकल हो आप उसका कैरेक्टर हो तो आप पूरे क्लास में जाके अपनी स्टोरी बताओ अपनी स्टोरी को बनाओ कि मैं ये था मैं यहां गया था इतनी देर के लिए सो गया था फिर जागा और फिर मैं आया तब मैं ऐसा बन चुका था आप कैसे भी स्टोरी बनाइए एंड प्लीज रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ योर क्लास पेरेंट्स स्टूडेंट्स फ्रेंड्स नाना नानी दादा दादी किसी के भी आगे ये आपको सुनाना है बहुत ही मजा आएगा चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे एक्टिविटी थ्री रीड एंड एंजॉय वी आर गोइंग टू जस्ट रीड दिस क्लॉक टिक क्लॉक टिक ये चैप्टर जो है वो टाइम के बारे में सो so ये पूरी पोएम है वो एक घड़ी के बारे में है सो लेट्स रीड द स्टेंसर नंबर वन जिसमें लिखा है क्लॉक टिक क्लॉक टिक इट्स सिक्स थर्टी इन द मॉर्निंग हैव टू ब्रश माई टीथ ट रेडी फॉर द स्कूल फर्स्ट स्टेंजा में भाई सुबह के साढ़े छह बज चुके हैं मुझे ब्रश करना है मुझे नहाना है और स्कूल के लिए रेडी होना है क्योंकि घड़ी में सिक्स थर्टी हो चुके हैं और घड़ी क्या आवाज करती है टिक टॉक टिकटॉक सेकेंड स्टेंजा क्या लिखा है क्लॉक टिक क्लॉक टिक इट्स सेवन इन द मॉर्निंग हैव टू गो टू द किचन हैव टू ईट माई ब्रेकफास्ट देन है फूड फूल मी एवरी वन क्लॉक टिक क्लॉक टेक सात बज चुके हैं सुबह में हैव टू गो टू द किचन मुझे किचन में जाना है मेरा ब्रेकफास्ट खाना है फिर मुझे फुल डे काम करना है पढ़ाई करनी है खेलना है सेकेंड उसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन क्लॉक टिक क्लॉक टिक ये रिपीट हो रहा है ये सेंटेंस इट्स फोर इन द आफ्टरनून हैव टू डू माई होमवर्क हैव टू गो टू प्ले इन द गार्डन हैव मी टू रिलैक्स आफ्टर द होल डेज हार्ड वर्क शाम के चार बज चुके हैं मुझे मेरा होमवर्क भी करना है मुझे गार्डन में खेलने भी जाना है उसके बाद मुझे थोड़ा आराम भी करना है मुझे आराम इसलिए करना है क्योंकि मुझे पूरे दिन की थकान जो लगी है इसके बाद है फोर्थ स्टेंजा क्लॉक टिक क्लॉक टिक अगेन ये लाइन रिपीट हो रही है फोर्थ टाइम इट्स नाइन इन द इवनिंग रात के नौ बजे सेटल माई बेड लाइक हैव द बर्डन ऑफ द डे ऑफ हैव मी विन माई गुड नाइट स्लीप यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं रात के नौ बज चुके हैं मुझे अब मेरा बेड बिछाना है लाइक अ सर्फ सर्फ मतलब एक ऐसा आदमी जो पूरा दिन काम करता है पढ़ता है लिखता है दौड़ता है खाता है पीता है रात को थक के सोने के लिए जाता है बर्डन ऑफ द डे ऑफ मुझे पूरे दिन की थकान को निकालना है उतार देना है माई गुड नाइट स्लीप अब मुझे सोने दो ए घड़ी वो टिकटॉक पर बोल रहा है तुम्हारे में नौ बज चुके मेरा सोने का टाइम हो चुका है मुझे सोने दो एंड यस स्टूडेंट्स ये जो पोएम है गिल ग्रेगोरियो से अडेप्ट किया गया है वहां से लिया गया है आप ज्यादा जानना चाहते हैं गूगल कीजिए हम इसी के साथ एक्टिविटी फोर के साथ आगे बढ़ेंगे जिसमें लिखा है आज द फॉलोइंग क्वेश्चन टू योर फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट यू आपके दोस्तों को कुछ सवाल पूछिए और वो इंफॉर्मेशन अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए राइटिंग में सबसे पहला क्वेश्चन पूछिए व्हाट आर द थ्री एक्टिविटीज दैट यू डू इन द मॉर्निंग अपने फ्रेंड को पूछो तो सुबह में तीन कौन से काम करता है तो वो बोलेगा आई डू ब्रश माई तीत मैं सुबह में ब्रश करता हूँ और फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ जनरली सब लोग यही करते हैं पर कुछ लोग सुबह में उठ के क्या करते हैं एक्सरसाइज फिर नहाते हैं फिर पूजा पाठ करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर टू ये आपके दोस्त को पूछिए वॉट आर द थ्री एक्टिविटीज दैट यू डू इन द आफ्टरनून उसको पूछो तो आफ्टरनून में क्या करता है भाई फिर वो बोलेगा आई टेक माई लंच मैं दोपहर को लंच लेता हूँ फिर नेट जियो देखता हूँ और फिर मेरा काम करता हूँ और सबके आंसर अलग होने चाहिए ना अलग अलग दोस्त अलग अलग आंसर देंगे क्योंकि सारे लोग एक तरीके का काम नहीं करते हैं तीसरा क्वेश्चन उससे पूछो वॉट आर द्री एक्टिविटीज दैट यू डू इन द इवनिंग आफ्टरनून तो हो गया शाम को क्या करते हो भाई पूछो उससे वो बोलेगा आई प्ले इन द गार्डन वो गार्डन में खेलता है साइकिलिंग करता है और फिर थक के आने के बाद अपना डिनर खा लेता है और लास्ट क्वेश्चन पूछो वैन डू यू गो टू स्लीप अपने दोस्त को पूछो तो सोने कितने बजे जाता है आई गो टू स्लीप एट टेन पी एम और आपके दोस्त का आंसर होगा 10 9 11 और आजकल के बच्चों का टाइम तो ट्वेल्व ए एम वन एम है ना रात के बारह बजे तक जागते रहते हैं चलो आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी फाइव अगर आपको भी फ्री में मैथ्स एंड ग्रामर की वर्कशीट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है थैंक यू सो एज यू कैन सी योर पेज ऑफ एक्टिविटी ड्रॉ आर्म्स और आपको यूज करना है यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स क्लॉक्स दिए और सिक्स टाइमिंग्स दिए so चलिए उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं सबसे पहले क्लॉक में हम टाइम लिखेंगे क्वार्टर टू टू बच्चों ये जो क्वार्टर टू लिखा है यहां पर इसका मतलब आपको मिनट हैंड ड्रॉ करना है नाइन के ऊपर जब पंद्रह मिनट बाकी होते हैं तब मिनट हैंड नाइन पे आता है और यहां पे लिखा है टू मतलब दो बजने में पंद्रह मिनट बाकी है क्वार्टर टू टू का मतलब है तो आपका जो दूसरा हैंड है स्मॉलर हैंड वो टू से थोड़ा सा पहले होना चाहिए एग्जैक्ट टू के ऊपर नहीं तभी इसको क्वार्टर टू टू कहा जाएगा मतलब पौने दो बजे सेकेंड जो हमारा है वो है टाइमिंग फोर फिफ्टीन फोर मतलब चार तो ऑलरेडी बच चुके हैं सो so फोर से थोड़ा सा आगे ले जाइए अपना आवर हैंड छोटा वाला ड्रॉ कीजिए फिफ्टीन मतलब पंद्रह मिनट सो so पंद्रह मिनट मतलब आपका आवर हैंड आएगा थ्री नंबर पे थर्ड क्लॉक में आपको लिखना है टेन पास्ट टेन टेन पास्ट मतलब दस मिनट हो चुके हैं सो मिनट हैंड टू पर आएगा टेन पास्ट टेन मतलब दस बजकर दस मिनट तो आपका आवर हैंड दस से थोड़ा सा आगे ठीक है, तीन क्लॉक्स हो चुके हैं आइए और तीन बाकी के कर लेते हैं जिसमें फोर्थ वन में टाइम हमें बताना है थ्री ट्वेंटी तीन बजकर बीस मिनट तीन बजाने हैं सबसे पहले मतलब आवर हैंड थ्री से थोड़ा आगे जाएगा इसका रीजन है कि ट्वेंटी मिनट्स हो चुके हैं तीन बजने के बाद सो ट्वेंटी मिनट्स होते हैं फोर नंबर पे सो मिनट हैंड फोर पे और आवर हैंड थ्री से थोड़ा आगे इसके बाद फाइव पास टेन फाइव पास्ट का मतलब है पांच मिनट हो चुके हैं और उसके बाद लिखा है टेन मतलब दस बजकर पांच मिनट तो टेन आवर हैंड टेन पे और मिनट हैंड वन पे आएगा इसे बोलते हैं फाइव पास टेन नेक्स्ट टाइमिंग है फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव मतलब पांच बज चुके हैं सो आपका आवर हैंड फाइव से थोड़ा आगे आप लोग सोच रहे हो सर आपने आगे क्यों ड्रॉ किया है बिकॉज पांच बजने के बाद ट्वेंटी फाइव मिनट तो हो चुके हैं ना और 25 मिनट का मिनट हैंड एग्जैक्ट पांच के ऊपर आएगा बिकॉज फाइव मतलब 25 मिनट्स चलिए इसी के साथ नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ एक्टिविटी सिक्स इसमें भी कुछ ऐसा ही काम है मजेदार काम है बच्चों आपके लिए आप सोच रहे हो कैसे मजेदार है मैं आपको बताता हूं so, सो यहां पर सबसे पहले पढ़ लीजिए जूम कर लिया है मैंने वो की न पैर अपने दोस्त के साथ मिलकर काम कीजिए इस खाली जगह में आपको एक तो ड्रॉ करना है क्लॉक आपका फेवरेट क्लॉक डिजाइन फिर इसके अंदर आपको ये टाइम के हैंड ड्रॉ करने हैं तो लीजिए मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं एकदम ब्यूटीफुल सा ये क्लॉक अब मुझे टेन टू टू टेन टू का मतलब है दस मिनट बाकी है सो मिनट हैंड को आप ले जाइए टेन पे क्योंकि बारह तक पहुंचने में भी दस मिनट बाकी है टू मतलब दो बजने में अभी भी दस मिनट बाकी है इसको बोलते हैं टेन टू टू अगर टेन पास टू होता तो दो बजकर दस मिनट होते यहां पर टेन टू टू है टू का मतलब होता है बाकी है नेक्स्ट क्लॉक में लिखा है क्वार्टर टू क्वार्टर टू मतलब पंद्रह मिनट बाकी है क्वार्टर का मतलब होता है 15 so 15 है मिनट्स मिनट्स सो बाकी तो मिनट हैंड को करना पड़ेगा नंबर नाइन पे क्योंकि नाइन से ट्वेल्थ तक पहुंचने में और पंद्रह मिनट बाकी रहते हैं और सेवन मतलब सात बजने से पहले तो सेवन से थोड़ा पहले ड्रॉ करना एग्जैक्ट सेवन पे नहीं क्योंकि अभी सात नहीं बजे हैं चलिए और दो ड्रॉ कर दीजिए ब्यूटीफुल क्लॉक्स पहले ड्रॉ कर लीजिए नाउ यू हैव टू मेक हैंड्स क्वार्टर टू बच्चों फिर से क्वार्टर टू आया क्वार्टर टू मतलब पंद्रह मिनट बाकी है सो so नाइन पे चले जाइए नाइन मतलब नौ बजने में पंद्रह मिनट बाकी है आवर हैंड थोड़ा नौ से पहले नौ बजने से पहले क्योंकि एग्जैक्ट नौ नहीं बजे हैं इसलिए थोड़ा नीचे रखना नौ से आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट क्लॉक में है टेन ट्वेंटी फाइव दस बजकर पच्चीस मिनट सो so, ये हो गया आपके पच्चीस मिनट और ये हो गया आपके टेन ट्वेंटी फाइव थोड़ा आगे ले गया मैं यहां पर लाना क्योंकि दस बजकर पच्चीस मिनट हो चुके हैं इसीलिए आवर हैंड टेन से आगे निकल जाएगा इसके बाद ट्वेल्व ओ क्लॉक एक्जेक्ट बारह बजाना है आपको सो दोनों हैंड ट्वेल्व पे आएंगे एकदम ईजी क्लॉक था ये और इसके बाद है थ्री थर्टी फाइव मतलब तीन बजकर थर्टी फाइव मतलब पैंतीस मिनट तो तीन आवर हैंड थ्री और फोर के बीच में और मिनट हैंड सेवन पे बिकॉज सेवन हो मतलब थर्टी फाइव मिनट्स और आवर हैंड थ्री और फोर के बीच में आगे बढ़ेंगे हम टोटल एट क्लॉक से यहाँ पर एट फोर्टी सो ड्रॉ कर लीजिए एट फोर्टी में फोर्टी मिनट्स मतलब एट के ऊपर और एट फोर्टी मतलब आठ बजकर चालीस मिनट तो हमारा आवर हैंड थोड़ा आठ से आगे निकल जाएगा यहां तक इसके बाद है इलेवन थर्टी ग्यारह बजकर तीस मिनट सो ये तीस मिनट मतलब छ पे और ग्यारह बज के तीस मिनट मतलब ग्यारह और बारह के बीच में सो एक्टिविटी सिक्स यहां पर कंप्लीट हो रही है मजा आया हुआ ड्रॉ करने में करने में क्लॉक ड्रॉ करने में कलर करने में इसी के साथ आगे बढ़ेंगे एक्टिविटी सेवन में अरे वाह ये क्या है ये तो टावर क्लॉक है का है ये ये शायद लंदन में है गेस वॉट टाइम इट इज नाउ बी अ टावर शोइंग टाइम अच्छा आप तो सबसे पहले अपने क्लासरूम में या घर में वॉल क्लॉक पे देखिए और कितने बजे हैं जितने बजे हैं क्लास के सामने खड़े रहना है किस तरीके से ऐसे देखिए इस लड़की ने अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल किया है यहां पर एक हाथ से बनाया है मिनिट हैंड सो आपको भी ऐसे ही बनाना है आवर हैंड एंड मिनिट हैंड और आपके दोस्तों को बोलना है कि मेरे हाथों को देख टाइम बताइए सो so इसका हाथों को देख बताइए ये ग्यारह पर आवर हैंड है और ये मिनिट हैंड मतलब इलेवन है यहाँ पर ये यह क्या बता रही है ये आवर हैंड सिक्स पर है मिनट है ट्वेल्व पर है मतलब छ बजे है ना है ना ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी खेलने का खेलने का भी हो जाएगा और स्टडी भी हो जाएगी और सीख भी लोगे आप लोग चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी एट में क्या है बच्चों एक्टिविटी एट में सबसे पहले पढ़े जाए इसको यहां पर रीड द सेंटेंस गिविन मिलो रीड दम अलाउड फॉलोइंग योर टीचर आपकी टीचर रीड करेगी तो मैं यहाँ पर रीड करूंगा आपके लिए और मेरे बाद आप लोग रिपीट करना ठीक है सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन आई हैव एन इंग्लिश क्लास एट इलेवन ए एम अब आप पढ़िए ओके नेक्स्ट आई गो टू बैड एट टेन थर्टी पी एम अब आप लोग पढ़िए वेरी गुड थर्ड वन माई फादर कम्स होम एट लंच टाइम आपकी बारी वेरी गुड नेक्स्ट इन इंडिया यूजली इट रेन्स इन जून अब आप पढ़िए बहुत ही बढ़िया नेक्स्ट सेंटेंस डू यू थिंक वी विल गो टू मून इन द फ्यूचर आपकी बारी बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते हैं देर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेंचुरी चलिए पढ़ लिया आगे चलते हैं डू यू प्ले क्रिकेट ऑन संडेज अब आप पढ़िए नेक्स्ट हर बर्थडे इज ऑन सेवेंथ डिसम्बर प्लीज रिपीट कीजिए इसके बाद वेर विल यू बी ऑन न्यू ईयर्स डे अब आपकी बारी है ये लास्ट सेंटेंस है ओके वेरी गुड आप लोगों ने पढ़ लिया है बहुत ही अच्छा लगा अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में जो इसके ऊपर से ही बनी हुई है सो एक्टिविटी एट है वैसे ही यहां पर आपको सेंटेंसेस बनाकर लिखने हैं जिसमें आपको यूज करना है इन एट एंड ऑन ओके सो मैं आपके लिए पहला लिखता हूं प्लीज कॉपी मत करना अपना सेंटेंस खुद बना के लिखना फादर कम्स होम इन द इवनिंग सेकेंड द स्कूल्स विल री ओपन इन सेप्टेंबर थर्ड

तो so, ये तीनों का यूज करके मैंने सेंटेंसेस बना दिए हैं आप लोग कॉपी मत करना यार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके खुद बना के लिखो मेहनत करके लिखो मेरे हुए कॉपी करने में से क्या फायदा मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी नाइन बच्चों ये स्टोरी नहीं है लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कैसे आपने देखा होगा स्मार्ट वॉच में लिखा होता है ए एम एंड पी एम टाइम के पीछे सो एक्चुअली में है क्या सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस लेटिन एब्रीवियशन ए एम एंड पी एम आर एक्रोनिम्स दट स्टैंड फॉर एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मैरिडियम यह लेटिन शब्द है एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म है ए एम किसका शॉर्ट फॉर्म है इसका एंटी मेरेडियम और पीएम पोस्ट मैरिडियम यह है एक्चुअली में एक्रोनिम्स एक्रोनिम्स ऐसे वर्ड होते हैं यह किसी बड़े से सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म होता है जिसको एक वर्ड की तरह हम बोल सकते हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है यू एन ई एस सी ओ जिसको हम बोल भी सकते हैं यूनेस्को इसीलिए ये एक्रोम है बट यहां पर एक और सेंटेंस है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज बराबर इसका शॉर्ट फॉर्म है यू एन एच सी आर जिसको कोई शब्द बनाकर हम पढ़ ही नहीं सकते हैं तो ये बच्चों एक्रोनिम नहीं है अब आपको समझ में आगा एक्रोनिम्स क्या है आगे बढ़ते हैं आपने देखा यहां पर मैंने क्लॉक आपको दिखाया है बिकॉज इट इज अडेप्टेड फ्रॉम द कन्वेंशनल 24 फोर आवर क्लॉक्स हमारे दिन में टोटल 24 फोर आवर्स होते हैं दिन के बारह घंटे और रात के बारह घंटे सो द 12 आवर क्लॉक डेट्स बैक टू 1500 हंड्रेड बी सी Unlike the 24-hour क्लॉक AM and PM designations are used to differentiate बिटवीन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून आज से 1500 साल पहले 12-hour क्लॉक dates यूज होते थे अब सबको समझ में आ गया कि दिन में 24 आवर्स होते हैं जिसमें से एम और पीएम का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए मॉर्निंग और आफ्टरनून को अलग बताने के लिए अब वो कैसे होता है मैं आपको यही बताने वाला हूं सो so, यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा बाकी सब काम छोड़ दीजिए ध्यान यहां पर दीजिए चलिए यहां पर एक फोटोग्राफ मैंने आपके लिए लिया है लास्ट पैराग्राफ के लिए एंटी मेरिडियन का मतलब होता है बिफोर मिड़ दे, मिड़ दे मतलब दोपहर के जो बारह बजे हैं उससे पहले का जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं बिफोर मिड डे एंड पोस्ट मैरिडियम मीनस मिड डे मतलब दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसे पोस्ट मैरिडियन कहते हैं आफ्टर मिड डे ठीक है होप आप ये चीज समझ गए होंगे मैंने क्या बताया आपको लेटिन में

स्कूल में टेन ए एम इलेवन ए एम फिर दोपहर में बारह जब बजेंगे तो उसे कहेंगे पीएम तब से स्टार्ट होगा पीएम ट्वेल्व पी एम घर पर आओगे वन पी एम टू पी एम को खाना खाया थ्री पी एम को टीवी देखा फोर पी एम को ट्यूशन सिक्स पी एम को गार्डन में खेलने गए रात के एट पी एम को तारक मेहता का उल्टा चश्मा रात के टेन पीएम को सोने चले जाओगे बराबर है होप ये एम पी एम का जो फंडा है आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा इसी के साथ आगे बढ़ेंगे एक्टिविटी टेन में ये आपको देखकर शायद लग रहा होगा कि ये क्या है कौन सी एक्टिविटी है कैसी है सो टेक टर्न एंड आस्क अबाउट द टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज आपके पास ये जो मैप है ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम होता है अगर इंडिया में अभी जो टाइम है वो दूसरे कंट्री में सेम टाइम नहीं होता है क्योंकि सेम टाइम पे वहां पर सन की पोजीशन अलग होती है चलिए सपोज इंडिया में फाइव थर्टी हुआ है अभी क्योंकि हमारा जो फिक्स टाइम है वो है फाइव थर्टी ये रहा हमारा इंडिया का टाइम लाइन ये हमारा इंडिया का टाइम लाइन है सो इंडिया का टाइम लाइन फाइव थर्टी है सो अगर आप ग्रीन लैंड में जाओ ग्रीन लैंड कहां पर है ये रहा सो ग्रीन लैंड में एक्चुअली अभी कितने बजे हैं ये रहे नाइन ए एम हुए हैं कितना हुआ है अगर इंडिया में शाम के साढ़े पांच बजे हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में सुबह के पांच बजे होंगे अगर इंडिया में साढ़े बजे हैं तो देखो यहां पर और एक ले लो साउथ अमेरिका में सुबह के आठ बजे हैं अगर इंडिया में साढ़े पाँच बजे तो यहाँ पर टोक्यो में साढ़े नौ बजे हैं बेजिंग में चाइना में साढ़े सात बजे हैं सो so ये है पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन इसका ये मैप है ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाइए इसका डिटेल में वीडियो देखिए तब जाके समझ में आएगा इसी के साथ यहाँ पर लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है सो so अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन नए बच्चे सब्सक्राइब कर ले बेल बटन दबा दे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए और क्या कहूँ मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास फोर्थ के सभी को शेयर कर दो यार वो भी अगर देखेंगे वीडियो तो कुछ सीखेंगे तब तक एक काम कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर गुड हई